वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दुर्गा। आज की रिएक्शन वीडियो अनली टू के बारे में, तो देखते हैं इसमें क्या दिखाते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना। सो भाई लोग, आज आप लोगों को इंडस्ट्री की ऐसी ऐसी एक्साइटिंग न्यूज दूंगा जिसको सुनते ही आप लोग सीधा दूसरे का चैनल सब्सक्राइब कर दोगे। क्योंकि इसकी माँ का मैं तो नंगा छत से कूद भी जाऊँ ना तो भी तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते। एंड जिस स्पीड से अपन 1 मिलियन पहुंच रहे ना, वो दिन दूर नहीं की छत से ही कूदना पड़े। अबे अब तो पप्पा भी गैरेज ओपनिंग करने बोल रहे। बट खैर यार, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी मैं पॉश भिखारी लगता हो तो प्लीज कर दो सब्सक्राइब। एनीवे, सो पहली न्यूज ब्रेक करते हुए आप लोगों को बता दूं कि पिछले एक साल से लोग किसी फिल्म का इंतजार करे या ना करे, लेकिन इस फिल्म का क्रेज इतना बढ़ते जा रहा कि IMDb भी जवाब दे दिया। ऑस्कर वाले भी अपना नया अवार्ड का डिजाइन रफू कराने दे दिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नाक से गाने वाले हिमेश रेशमिया की फिल्म बैड एस रवि कुमार, जिसका नाम सुनते ही लोगों के गांड से छींक निकल जाती है। इवन इसका नाम सुनने के बाद राजामौली भी ब्रेक लेके महेश बाबू को समझाने लग गए कि भाई मेरी फिल्म करने के बाद गुंटूर कारम जैसी फिल्म कभी मत करना। तो 11 अक्टूबर यानी कि इसी दशहरा को बैड एस रवि कुमार रिलीज होने वाली थी, जो कि अब रिलीज नहीं होगी क्योंकि अभी भी ग्रीन स्क्रीन का हैवी वर्क बाकी है। इनफैक्ट ऐसा भी कहा जा रहा है कि जिसने अवतार मूवी में VFX दिया था, बैड एस रवि कुमार के मेकर्स उनसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग जा रहा। बट ऑनेस्टली बैड एस रवि कुमार को लेकर इतना जरूर कहूंगा कि याद रखना, ये फिल्म क्रिंज होते हुए भी जम के कमाएगी, क्योंकि लोगों को इसका क्रिंज एंजॉय करना है। एंड ये पहली फेवरेट क्रिंज फिल्म होने वाली है जिसको लोग वापस देखने जाएंगे। वही दूसरी न्यूज की ओर चले तो यार, दिवाली आने वाली, तो थोड़ा थोड़ा बर्बादी का जिम्मेदारी इंडस्ट्री ले रही है। आई मीन भूल भुलैया 3 एंड सिंघम अगेन का अब ट्रेलर आने वाला है, जहां पर भूल भुलैया 3 का ट्रेलर आने वाला है 6th of October, जिनका ट्रेलर देख के 7th of October को सिंघम अगेन के मेकर सिंघम का ट्रेलर लाएंगे, जिनका ट्रेलर देख के हिम्मत करके कार्तिक आर्यन अपनी भूल भुलैया 3 रिलीज करेंगे। सॉरी, अब देखो ये दोनों भले ही बड़ी फ्रेंचाइजी है, बट मेरी उम्मीदें कम है। हालांकि दिवाली पे आप कुछ भी रिलीज करो चल जाती है उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, बाकी यहां तो भाई ये फ्रेंचाइजी है तो अच्छा खासा चलेगी। लेकिन वही ये भी है, दिन में से जो अच्छी निकलेगी वो लंबे रेस का घोड़ा होगी, बाकी तो फिल्म घोड़ी किसको बनाती वो तो वक्त ही बताएगा। इसी पर पुष्पा 2 के मेकर्स को भी याद आया कि भाई साहब अब ट्रेलर डालने का टाइम आ गया है, बाकी पोस्टपोन तो चलता रहेगा। तो फाइनली मेकर्स ने डिसाइड किया कि 15th of November यानी कि फिल्म रिलीज के 20 दिन पहले हम ट्रेलर लाएंगे। अब 6 December को पुष्पा 2 भी है एंड विकी कौशल की छावा भी है, एंड दोनों अपने जगह पे बड़ी एंड इंपॉर्टेंट फिल्म है। बट पता नहीं यार ये क्यों क्लैश हो रहा है, हालांकि दोनों वजनदार एंड इंपॉर्टेंट फिल्म भी है, एंड ये क्लैश लग भी रहा है अपने को। इनफैक्ट दोनों में से अगर कोई कम पीछे भी हो जाए ना तो अपने को इंसल्ट फील होगा। इससे बेटर था कि छावा को इस 2nd October को रिलीज होना चाहिए था, फुल ऑन बॉक्स ऑफिस घायल हो गया होता। बट खैर यार, मेरा भला कौन सुनेगा, घर वाले तक नहीं सुनते तो इंडस्ट्री वाले तो दूर की बात है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले अभी मैंने घर वालों को बोला कि अभी मैं गोवा जा रहा हूँ ट्रिप करने, तो वहां से मस्त फ्लाइंग बेलन एंड चप्पल उड़ के आए। फिर मैंने उन लोगों को बताया नहीं 2 अक्टूबर को जा रहा हूँ, तो वो लोग ने बोला बेटा नहीं मिलेगा स्टॉक। एनीवेज, अगली न्यूज दूंगा किंग साइज, वो भी किंग खान की, जहाँ उनकी किंग की शूटिंग चल रही है, उसके बाद पठान 2 भी उनके हाथ में, अब एक और फिल्म उनके हाथ में आ गई, वो भी 3-2 के डायरेक्टर अमर कौशिक की, जो उनके लिए लिखे बिग एडवेंचर फिल्म। मतलब अब 2 मुंजिया हो जाएंगे। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ये फिल्म इसी हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स की रही तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अक्षय कुमार एंड शाहरुख खान आगे जाके साथ में नजर आएंगे? बट यार जहां तक पता चल रहा है कि ये सिनेमैटिक यूनिवर्स का तो हिस्सा नहीं रहेगी, ये कुछ अलग हटके एडवेंचर फिल्म सिर्फ शाहरुख खान के लिए लिखा है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि यार शाहरुख खान को समझ गया कि यार अमर कौशिक की फिल्म 3-2 ने जवान का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो भाई साहब उसको मैं पकड़ू और बोलू कि भाई तू बाकियों के साथ फिल्म बना लेकिन मेरे साथ तू रिकॉर्ड बना। सो लेट्स सी ये इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशन क्या धमाका करता है। अच्छा, धमाके से याद आया कि सलमान भाई फाइनली रेमो डिसोजा फराज सामजी को MX प्लेयर तक पे भी ब्लॉक करने के बाद अब फुल फॉर्म में आ गए। जहां पर इतना लंबा समय ब्रेक लेने के बाद भाईजान को समझ गया कि आजकल के नल्ले बेरोजगार जितने भी चिपलांडू लोग हैं, ये लोग बॉक्स ऑफिस कर रहे हैं, तो इनको मैं बताता हूं कि बॉक्स ऑफिस के बाहर ट्रैफिक जाम कैसा करने का। आई मीन अभी के टाइम में सलमान खान की लाइनअप ऑलरेडी इंटरेस्टिंग हो गई है, एंड इतना चर्चे में है कि ट्विटर डेली खोलो तो सलमान खान के एक फिल्म का नाम रहते ही रहता है। सबसे पहले तो AR मुर्गुदास के साथ सिकंदर, उसके बाद एटली कमल हसन अनिरुद्ध के साथ एक और फिल्म है, उसके बाद बेबी जॉन में 5 मिनट का कैमियो, उसके बाद आज ही के दिन अनाउंस होता है कि भाई साहब डेविल इज बैक यानी कि किक 2 अनाउंसमेंट होने वाला है। भाई तुम लोग पास्ट में बोल रहे थे ना कि तू भाईजान को ट्रोल करता है, यार वो नकली भाईजान थे, वैसा कोई रूप था ही नहीं सलमान खान का। आज ये लाइनअप ही जब सबकी गांड फाड़ दे रहा है ना, तो आप इमेजिन करो हम लोग यही वाले भाईजान का वेट कर रहे थे। अबे तुम लोग ये सोचो कि सलमान खान पूरे इंडस्ट्री में वो एकलौता बंदा है ना कि जिसकी अगर फ्लॉप फिल्म भी 200 करोड़ कमा के दे देती है ना, तो इमेजिन करो अगर उसकी एक अच्छी फिल्म आ जाए तो 1000 करोड़ तो सुबह का नाश्ता होगा। इनफैक्ट देख लेना उस दिन ओला उबेर वाले जम के कमाएंगे, क्योंकि सारे रिक्शा वाले थिएटर में मिलेंगे। वो लोग छोड़ो, हम लोग भी थिएटर में मिलेंगे क्योंकि उस दिन होगा असली सेलिब्रेशन। तो ओवरऑल आप लोग बताइए, आप लोग कौन से प्रोजेक्ट के लिए एक्साइटेड हो? एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मैं तो बोल रहा हूँ अगर अच्छा लगे तो ही, नहीं लगे तो कोई बात नहीं यार। मिलते अगले वीडियो में, तो बताना आप लोगों को इसमें से
क्या अच्छा लगा सलमान खान की मूवी पे मूवी आने ही वाली है, दिखाया जा रहा है कि अब उनके लगातार मूवी आने ही वाली है। और किक का तो काफी लोगों का एक मतलब जो इसमें बताया कि किक में भी सलमान खान नजर आएंगे, तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना।